हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। हर एक व्यक्ति चंगे और ब्लेसिंग हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित होने पाए। पिता हर एक समस्याएं बाहर जाए, बीमारियां बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, कर्ज के बंधनों से आजाद होने पाए, इनके मार्ग खुलने पाए, बंधन टूटने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। प्रेज़ टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस भोर की प्रार्थना के सभा में, और जितने लोग विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, आज कुछ पाने की आशा को लेकर मैं कह रहा हूँ प्रभु आपको अपनी आशीषों से भरने जा रहा है। आमीन। हम विश्वास करें हमारा परमेश्वर हमारे संग संग है। वो हमारे समस्याओं से हमें निकालने के लिए तैयार है, हमें परेशानियों से हमें निकालने के लिए तैयार है, हमारे कामों को सफल करने के लिए तैयार है, हमें ऊंचे स्थानों में बैठाने के लिए हमें तैयार है मेरे। लेकिन हमें क्या करना होगा? हमें प्रार्थना करना होगा, उसके पीछे चलना होगा, उसके आज्ञाओं पे हमें चलना होगा, उसे थामे रहना होगा। वो हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है और हर एक मुसीबतों से, हर एक पापों से हमें आजाद करता। आमीन। वो कहता है करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? यीशु मसीह मेरे पियो हमारी चिंता करता है और वो हमारे हर एक समस्याओं से, हमें हर एक परेशानियों से हमें निकालने में सामर्थ्य परमेश्वर है। क्या आप चिंता में बोझ दबे गहरा रहे हैं? क्या आप समस्याओं में पड़े हैं? तो एक ही रास्ता है, ये जीवित वचन, यही आपको समस्याओं से, परेशानियों से आपको निकालेगा। हालेलुया। देखिए वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। भजन संहिता 9 अध्याय के पहले वचन में, हे यहोवा परमेश्वर, मैं पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब अरिश्चय कर्मों का वर्णन करूं। वचन कहता है मैं तेरे सब अरिश्चय कर्म का, मैं जो बातें तूने मेरे जीवन में की है उन सारे कामों को मैं याद करते हुए मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं उनकी व्याख्या करूंगा, मैं उनके बातों को फैलाऊंगा। हमारे जीवन में मेरे प्रभु परमेश्वर ने इतने उपकार किए, इतने आशीष दी है कि हम उसको गिन नहीं सकते। और सबसे बड़ी आशीष है हम आज युद्धों के बीच में जीवित पाए गए हैं, ये उसका अनुग्रह, उसका प्रेम, उसकी दया हम पर हुई है। हालेलुया। हम हर पल हर समय उसको धन्यवाद देने वाले हो जाए और धन्यवाद का बलिदान हम उसको चढ़ाने वाले बन जाए। आमीन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जितने लोग अपने बीच को बोया है प्रभु के कार्य के लिए, उसके राज की भोतरी के लिए, प्रभु आप सबको आशीष दे। अपने हाथों को उठाएं और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। मेरे पियो जिंदा खुदा हमारे संग संग है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे संग संग है, वो संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, हमारे संग संग है, वो हमें ना छोड़ेगा, वो हमें ना त्यागेगा। ओ रिस से खिरे वे पिता, हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, कार्यों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए पिता परमेश्वर है। ओ पिता हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए पिता, हर एक भाई बहनों को, हर एक जनों को हम आपके नाम से आशीष करते हैं पिता, इनके मार्ग खुलने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, इनके चिंताएं, इनकी परेशानियां, इनकी समस्याएं सब आपके नाम से जाती रहे। ओ पिता जो मुसीबतों में है पिता, ओ समस्याओं से बाहर निकलने पाए आज के दिन पिता, जो समस्याओं में घिरे हैं, परेशानियों में घिरे, उन सबों से आजाद हो जाए पिता, इनके आज के दिन इनके मार्ग खुलने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, चिंता और परेशानियां सब इनके जीवन से बाहर निकलने पाए, मरिकल होने पाए, अरिशय क्रम प्रकट होने पाए, जो काम में रुकावटें बधाएं आ रही है वो सारे रुकावटें बधाएं पिता आज के दिन पिता, इनके जीवन से बाहर निकलने पाए और इनके सारे काम आपके नाम से सफल होती जाए पिता। अपनी आशाओं से आप इन्हें भरपूर करें, अपनी ब्लेसिंग से भरपूर करें पिता, और अपनी महिमा के लिए आप इन्हें बहुतायत से उपयोग करें खुदावन। हर एक चिंता, परेशानी, समस्याएं सब इनके जीवन से दूर होने पाए, आपकी महिमा पिता इनके जीवन में प्रकट होने पाए। हे थके मांदे बोझ दबे गहराए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। मेरे पियो यीशु कहते हैं मेरे पास आ, मैं तुझे इस बंधन से आजाद करूंगा।
अगर तू थक चुका है मैं तुझे नया बल से तृप्त करूंगा। यस मेरे पियो, परमेश्वर हमें नई सामर्थ से भरने के लिए तैयार है। आज के दिन आपके सारे काम सफल हो रहे हैं, हर एक कामों के ऊपर परमेश्वर की आशीष से स्वर्ग से उतर रही है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये आशीष से भरने पाए पिता। जो बीमार पड़े हैं खुदावन, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। बीमारियाँ छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो, हर प्रकार की बीमारी के बंधन से इससे समय आजाद हो जाए। आए मेरे पियो, पापों से गुनाहों से फिर कर यीशु मसीह के पास आए, अपने अपने पापों का अंगीकार करते हुए यीशु मसीह के पास आए, उसको जिनका उद्धार करता स्वीकार करे। वो लहू जो बहाया गया हमारे पापों के खातिर बहाया गया, वो लहू में सामर्थ है, वो लहू हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध पवित्र करेगा। ओ लॉर्ड ब्लेस नाउ, पिता अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करे और अपने राज का वारिस बनाए। जो हमने पाप गुनाह किए पिता, उन सबों को पिता हमारे जीवन से आपने निकाल दिया और अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र आपने कर दिया हमें पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। हर एक को मैं आशीष के घोषणा करता हूँ। सारी चिंताएं, सारी परेशानी, सारी समस्याओं से ये आजाद होने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। स्वर्गीय ब्लेसिंग, स्वर्गीय आशीष से आप इनके जीवन में देने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, इनके मार्ग खुलने पाए, हमारी परेशानी चिंताएं सब से ये आजाद होने पाए। आए मेरे पियो, जो भी घुटनों पे आ सकता है घुटनों पे आकर प्रार्थना करे, अर्थात जिस प्रकार से आप प्रार्थना करने में सक्षम है उस प्रकार से प्रार्थना करें। जीत परमेश्वर आपके संग है, वो आपको शिफा देगा, वो आपको चंगाई देगा। हर प्रकार की मारी की बंधन से परमेश्वर आपको आजाद करेगा। आप दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, किसी गांव के शहर किसी कस्बे में रहकर आप प्रार्थना को देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चंगाई आपकी है और आप यीशु के नाम में चंगे होने जा रहे हैं। ओ रे सिख रे, इससे समय पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। हर एक दर्द, हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर निकलने पाए, बीमारियां इनके शरीर से बाहर जाए, रसोली पत्थरी गिल्टी या गांठ है यीशु के नाम में इसी समय गायब हो जाए पिता। जो इनके शरीर में दर्द है उन सारे दर्द से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। ओ रीमा रामा सीका राबा उलर राबा रिकम जयम रिकम जयम रिकम जयम। हर एक दर्द, हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर निकलने पाए, रसोली पत्री गिल्टियाँ गांठे सब बाहर जाए, बीपी सूख नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, खून की कमियां दूर हो जाए, हड्डियों का दर्द नसों का दर्द सब यीशु के नाम इसी समय बाहर निकलने पाए, मोतियाँ बाहर जाए, सर्वाइकल बाहर जाए, झुंझुनी कंपन मिर्ग की झटके वाली बीमारियाँ बाहर जाए, चक्कर आने वाली माए बाहर जाए। ओ इसी समय यीशु के नाम ये चंगे हो जाए, इनके शरीरों में इनके हाथों इनके पैरों में नया बल नया शक्ति नया सामर्थ्य आ जाए पिता, और आपकी सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए, इनकी हड्डियों में बल आ जाए, इनके नसों में बल आ जाए, आपकी सामर्थ्य इनके शरीरों में स्वर्ग से प्रवाहित हो जाए। क्या छोटे क्या बड़े हर एक व्यक्ति शिफा पाने पाए, हर एक भाई बहनों को हर एक जनों को मैं चंगाई की आशीष की घोषणा करता हूँ। विश्वास करें मेरे पियो, स्वर्ग का परमेश्वर आपको सीधा चंगाई दे रहा है। आप दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, किसी गांव के शहर किसी कस्बे में रहकर आप प्रार्थना को देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप चंगाई को पा रहे हैं और आप यीशु के नाम में चंगे होने जा रहे हैं। हर एक दर्द बीमारी इसी समय इनके शरीरों से बाहर निकलने पाए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए पिता। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में इसी समय प्रवाहित हो जाए, मरिकल होने पाए, मरिकल होने पाए। ओ रे सिखरे भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। हर एक दर्द इनके शरीर से बाहर जाए, खून की कमियां दूर हो जाए पिता परमेश्वर, कमजोरियां बाहर जाए, वीकनेस बाहर जाए, खून की कमियां दूर हो जाए, लकवे के रोगी चंगे हो जाए, पैलेस की रोगी चंगे हो जाए, गुप्त बीमारियां बाहर निकलने पाए। इसी समय यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए पिता। ये दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, किसी गाँव के शहर किसी कस्बे में रहकर पिताजी मैं इनके लिए प्रार्थना कर इसी समय ये चंगे हो जाए, ये ब्लेसिंग हो जाए पिता। चंगाई का सामर्थ्य इनके
शहरों में प्रवाहित हो जाए। ओ रे शेखर मेरे पियो, विश्वास करे, विश्वास करे, विश्वास करे, स्वर्ग का परमेश्वर है। ओ हालेलुया, ओ मारा सीखा रावा रेकम जयम, रेकम जयम, विश्वास करें, विश्वास करें, स्वर्ग का परमेश्वर आपको सिफत चंगाई दे रहा है। हर एक बीमारी के बंधन से आप आजाद हो रहे हैं। ओ पिता, हर एक बीमारी जो सालों से इनको जकड़ के रखी है, ओ पिता, उस बीमारी के बंधन से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। ओ दर्द इनके शरीर से बाहर निकलने पाए, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, टखनों का दर्द, कमर दर्द सब बाहर निकलने पाए, चश्मे उतर जाए, यीशु के नाम ये चंगे हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए पिता। ऑपरेशन कैंसर रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, वो जो एडमिट पिता हॉस्पिटल में, वहां से आजाद होकर घर को आकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है, आप उद्धार को पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, बीमारी के बंधन से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है, हर प्रकार की मारी, हर प्रकार की बीमारी के बंधन से इसी समय आजाद होने पाए, रसोलिया बाहर जाए, पथरिया बाहर जाए, गिल्टियां बाहर निकलने पाए, जो सालों से बीमारी इनके घिर के रखी है, ओ पिता हर जगह थके मांदे आए हैं लेकिन विश्वास के साथ आए हैं, मेरे प्योटो जवाब दे दिया है लेकिन जीवित परमेश्वर का जवाब अभी आना बाकी है, इसी समय यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक व्यक्ति चंगे हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की आशीष की घोषणा करते हैं। आपने हर एक को सिफा चंगाई दे दिया पिता, मैं धन्यवाद 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 करता हूँ। ओ थैंक यू लॉर्ड, रिक सिस्था राबा रूमा रास्तीबा राबा, ओ रेखम जयम, रेखम जयम, रेखम जयम, इसी समय हर एक व्यक्ति चंगे हो जाए पिता। जो भी पिता विश्वास के साथ हाँ और आमीन में इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, इन शब्दों को रिसीव कर रहा है, प्रॉफिट वर्ड को रिसीव कर रहा है पिता, आप उनके जीवन में, आप उनके घरों में चंगाई देने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में इसी समय प्रवाहित होने पाए। मेरे पियो विश्वास करें, स्वर्ग का परमेश्वर आपको सिर्फ और चंगाई दे रहा है और आप यीशु के नाम में चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, चंगाई आपके शरीरों में आ रही है। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, इसी समय ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में इसी समय प्रवाहित हो जाए पिता। आपने सिर्फ चंगाई दे दिया, आपने आशीष दे दिया पिता, मैं धन्यवाद करता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक व्यक्ति चंगे हो जाए। आपने सिफा चंगाई दिया पिता, इन्हें हर प्रकार की मारी की बंधन से आजाद किया, नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जो कर्ज में घिरे हैं, जो कर्ज में जकड़े हैं पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, सारे कर्ज के जंजीरे, सारे कर्ज के जाले यीशु के नाम में फटने पाए पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक कर्ज के जंजीरों से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। जो कर्ज के जाले पिता इनके जीवन में है पिता, वो सारे कर्ज के जंजीरें टूटने पाए पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक कर्ज के बंधन से, हर एक कर्ज के जंजीरों से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। आपने सारे कर्ज के जालों को फाड़ दिया, कर्ज के बंधनों से आपने आजाद कर दिया इन्हें पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस शिखर में यीशु के नाम में इनका कर्ज चुकाया जाए, जिनका मेहनती कमाई कहीं फंसा है, कंपनी में, ऑफिस में कहीं पैसा इन्वेस्ट किसी को दिए हैं पिता लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए, रुकावटें, बाधाएं, परेशानी, चिंताएं सब आपके नाम से बाहर निकलने पाए, इनका पैसा जहाँ रुका है पिता, जिस कंपनी में, जिस ऑफिस में पिता जहाँ इन्वेस्ट किए, कंपनियों का, एमडीओ का हृदय मन फिरने पाए और इनकी मेहनती कमाई और देने वाली हो जाए, रुकावटें बधाएं सब आपके नाम से जाती रहे पिता, मिरेकल मनी होने पाए, पेपर आगे बढ़ने पाए, साइन होने पाए और इनके खातों में मिरेकल मनी होने पाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आंसुओं से भर जाए। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद करते हैं। जो पवित्र आत्मा का प्यासे है पिता, हर रेक को अपनी आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए, नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य पिता इन्हें भर दीजिए खुदावन। ओ रिस सिखरे वे, ओ पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति आपकी आराधना, आपकी महिमा करने वाली हो जाए पिता, नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य आपने इन्हें भर दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। जो चंडीगढ़ से, हरियाणा से, लुधियाना से,
नागपुर से, कानपुर से, दिल्ली से, मुंबई से, और जो मुझे इंदौर से, भोपाल से, जगदलपुर से, छत्तीसगढ़ से, और जो मुझे रायपुर से देख रहे हैं, और जो मुझे केरला से, बेंगलोर से, गुजरात से, अहमदाबाद से, हैदराबाद से, परमेश्वर कुछ लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। जो आपका काम रुका हुआ है उन कामों को परमेश्वर आगे ले जा रहा है। ये रुकावट के बाधाओं को परमेश्वर आपके जीवन से निकाल रहा है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, पेपर वर्क है जो रुका हुआ है, और सिक्किम, उड़ीसा और कोलकाता पेपर वर्क पूरा हो रहा है, आपके काम सफल हो रहे हैं, आपके जो पेपर रुका हुआ है आगे बढ़ रहे हैं, और यीशु के नाम में और सिक्किम काम को सफल होते मैं देख रहा हूँ। ये आपके काम सफल हो चुके हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, रिस सिख रे बे, आमेन आमेन आमेन। यस, बच्चे की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, रिश्ते में जो खटास आ रही है वो यीशु के नाम में जा रही है, और यीशु के नाम में सुख और शांति आपके रिश्तों में आ रहा है। शैतान की एक चाल यीशु के नाम में नाश हो रही है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में इनका घर, इनका परिवार आशोष से भर जाए। पिता, जिन घरों में अशांति की आत्माएं कार्य करी है, राय झड़े की आत्माएं कार्य करी है, पिता उन घरों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन घरों में शांति आ जाए, उन घरों में आशीषें आ जाए, उन घरों में मिलाप की आत्मा आने पाए, बिगड़े रिश्ते बनने पाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ने पाए, और आपकी शांति पिता जो सबसे परे है इनके हृदय, इनके घरों में व्याप होने पाए पिता, और मैं मिलाप की आत्मा और शांति की आत्मा आ जाए। ओ पिता, आपकी आशीष से इनके घरों में प्रकट होने पाए, आशीष और शांति इनके घरों में बरसने पाए। पिता, आपने मैं मिलाप की आत्मा दे दिया, शांति आशीष की आत्मा ने घरों में दे दिया है। पिता, मैं धन्यवाद 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 करता हूँ। हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार की चिंताएँ, हर प्रकार की बाधाएँ इनके जीवन से दूर हो जाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। पिता परमेश्वर, आपने घरों में शांति दे दिया, मैं मिलाप की आत्मा दे दिया, मनमुटाव को दूर कर दिया, रिश्ते में जो खटास थी उसे निकाल कर आपने पिता आनंद और शांति दिया। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। इस समय जो दुखों में बैठे हैं, जो शोक में डूबे हुए, पिता मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, उनका शोक आनंद में बदल जाए, उनके हृदय, उनका मन आपके वचन की तरह आनंद से भर जाए। पिता, नई ब्लेसिंग, नई आशीष से आप इनके जीवन में देने जा रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में इनका जीवन, इनका घर, इनका परिवार आशीषों से भर जाए। ओहो रे सिख रे बे, यीशु के नाम में इन्हें ब्लेस करता हूँ। पिता, आपने आशीष दे दिया, सुख और शांति दिया। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। जिन घरों में पिता चिंता है, बंधन है, परेशानी है, समस्या है, पिता उन घरों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता, उन घरों में शांति आ जाए, उन घरों में आशीष आ जाए, उन घरों में मिलाप की आत्मा आ जाए। पिता, वहाँ रिश्ते जो पिता परमेश्वर खटास है, पिता दूर होने पाए, हर एक का शांत करने वाली बातें, राय झड़े की आत्माएं वहां से बाहर निकलने पाए पिता परमेश्वर, और उस घर में शांति और सुख स्वर्ग से उतरने पाए। इसी समय पिता परमेश्वर उस घर को मैं आशीष करता हूँ, सारी समस्याएं वहां से बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, चिंताएं बाहर निकलने पाए, और आपकी शांति जो सबसे परे है इनके हृदय, इनके घरों में स्वर्ग से व्याप हो जाए, और इनका जीवन, इनका परिवार आशीष से भर जाए। इसी समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनके घर परिवार को आशीष करता हूँ पिता परमेश्वर। हाँ पिता, जो भी आर्थिक तंगी है दूर हो जाए, पैसे की समस्याएं दूर हो जाए, चिंताएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, समस्याएं बाहर निकलने पाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में ये आशीष से भर जाए, नई ब्लेसिंग, नई आशीष से आपने इनके जीवन में दे दिया है। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये आशीष से भर जाए। इसी समय यीशु के नाम में हम इन्हें आशीष की घोषणा करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रेज़ टू जीसस, महिमा हो राजा यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। जो पिता परमेश्वर जॉब के लिए प्रार्थना करवाए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, मांगने से अधिक योग्यता से बढ़कर आप इन्हें जॉब की ब्लेसिंग देने जा रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके नाम से मैं आशीष करता हूँ पिता, ऊंचे ऊंचे पदों पर, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर आप इन्हें बैठाने जा रहे हैं पिता, मैं धन्यवाद कर, एग्जाम दिए, सफलता मिलने पाए, इंटरव्यू दिला कहा है पिता, वहां से कॉल आने पाए, और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं, मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूँ पिता, 2024 में आप इन्हें बच्चे की ब्लेसिंग देने जा रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। सिखे रे बे, आमेन आमेन। जो पिता पेपर वर्क रुका हुआ है, पेपर वर्क पूरा होने पाए, वीजा की ब्लेसिंग मिलने पाए, रुकावट के बधाएं सब आपके नाम से बाहर निकलने पाए, हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता।
तक करते पिता, जिनका आज सालगिरह है, जब से आपने जुड़ा अब तक आपने संभाला और एक नया साल दिया इनके जीवन में, हम धन्यवाद करते पिता। ये नया साल नई आंसुओं से भरने पाए, नए साल में आंसुओं से भर जाए, नए साल में पिता हम आपकी महिमा करने वाले हो जाए। पिता परमेश्वर हम आपके नाम से नया आशीष करते हैं पिता। ये नया साल पिता आंसुओं का साल ठहरने पाए, हर एक क्षेत्रों में अपनी आंसुओं से आप इन्हें भरने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में इस नए साल में आंसुओं से भर जाए। जिनका बर्थडे है, जन्मदिन है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जन्म से लेकर अभी तक आपने संभाला पिता और एक नया साल दिया, हम धन्यवाद करते, नया साल नई आंसुओं से भरने पाए, हर एक क्षेत्रों में आगे बढ़ने वाली हो जाए। जो पिता परमेश्वर बच्चे बल बुद्धि ज्ञान से भरपूर करे पिता, और पिता हर एक व्यक्तियों को हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं, हर एक मार्ग खुलने पाए, हर एक ओपन होने पाए, घर परिवार में आंसुओं की बारिश होने पाए, आप में बह रहने में इनकी सहायता करें, आप मसीह में आगे बढ़ने के पवित्र आत्मा द्वारा सहायता कीजिए। इस नए साल में हम इन आशीष की घोषणा करते हैं, नई आशीष से नई ब्लेसिंग आप इनके जीवन पिता दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता जो इस समय पिता परमेश्वर और शिखर वे हालेलुया हालेलुया और ट्रांसफर के लिए पिता आवेदन दिए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम इनका ट्रांसफर हो जाए और सारे मार्ग खुल जाए आपके नाम से। पिता जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं जिस घर में पिता, उस घर में आंसुओं की बारिश होने पाए, उस घर में आपकी महिमा प्रकट होने पाए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उस घर में आंसुओं की बारिश होने पाए, सारे काम सफल हो जाए पिता, रुकावटें बाधाएं सब दूर होने पाए। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी सारी समस्याएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, चिंताएं बाहर जाए, निराशाएं बाहर जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए, अपनी आंसुओं से आप इन्हें भरपूर करें पिता, यही हम प्रार्थना कर। जितने लोग भेंट दान दसम डाले हैं आपके कार्य के लिए, आपके राज्य भोत्री के लिए, इन सबों को अपनी आंसुओं से भर दीजिए, हम आपके नाम से इन सबों को आशीष की घोषणा करते। तीन बार कार्य में अगुवाई करें, आने जाने में सहायता करें, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान करें, जितने का रिपोर्ट आने वाले हर एक का रिपोर्ट नौ माने पाए। प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। मेरे पियो हम प्रार्थना करें, स्वर्ग का परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए तैयार है, हमारे सारे कामों को सफल करने के लिए तैयार है, हमारे जंजीरों को तोड़ने के लिए, हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार है, केवल हम विश्वास करने वाले बन जाए। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।